ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुं निलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुवेश्य कृपा सिंधुव्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानंदमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। हरे कृष्णा। यस सो डिवोटीज आप सबको याद है क्या हम डिस्कस किए थे लास्ट क्लास या भूल गए? इसको याद है कौन बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। यस सुखेंद्र प्रभु एक ही चीज बताएंगे आप, फिर उसके बाद बाकी डिवोटीज बताएंगे। यस पहले दिन और बोला थे ये सुखदेव गोस्वामी वर्णन किया है दुख के पुत्रियों के बारे में। तो दुख तो ब्रह्मा जी का पुत्र था। तो ब्रह्मा जी का पुत्र होने के बाद दुख ने शिव जी का निंदा किया था। तो शिव जी को निंदा किया था दुख को वो बकरे का सिर मिला। तो ये तो चतुर्थ स्कंद में आता है, तृतीय स्कंद में, चतुर्थ स्कंद में आता है। तो सिक्स स्कंद में दुख पुनः भी पुनराय अवतरण किया, दुख का रिवर्ट हुआ, सेकंड पार्ट हुआ। तो छठा अध्याय में ब्रह्मा जी से आदेश मिलता है कि दुखों ने कैसे प्रजा उत्पन्न कर। तो उसमें 10,000 और 1,000 पुत्र पैदा किया और नारद मुनि आके सारा पुत्र को ब्रह्मचारी बना दिया। तो फिर दुखों ने बहुत गुस्सा हुआ तो ब्रह्मा जी का पास दिया था तो बोला है ये पुत्र उत्पन्न किया है, इतना सारी प्रजा उत्पन्न किया है और नारद मुनि तो सब सब ये क्या हुआ ब्रह्मचारी बना दो। तो सारा ब्रह्मचारी बना दिया ब्रह्मा जी। उसके बाद ब्रह्मा जी बोला है ठीक है अभी पुत्री उत्पन्न की तो पुत्री को आवश्यक है जितना ऋषि है उसको साथ विवाह करके पूजा उत्पन्न करे और पूजा वृद्धि करे। ओके तो और तो उसके बाद और कौन बताएगा अभी और कौन बताइए? ओके यहाँ इसके बाद क्या हुआ और किसी को याद है? हरे कृष्णा प्रभु जी नमस्कार। उसके बाद प्रभु जी दक्ष अपने 17 बेटियों की शादी कश्यप मुनि से करते हैं। 60 बेटी आप 10 मत बढ़ाइए, फिर उनका शादी करने के लिए आपको दक्ष पैसा मांगेंगे। 17 पुत्री है जिसमें 60 बेटी टोटल उत्पन्न होते हैं उनमें से 17 कश्यप मुनि को आते हैं। तो उसमें अदिति और दीति जो प्रमुख है मतलब उनकी पत्नियां होती हैं तो अदिति से जितने भी अदिति से देवता लोग उत्पन्न होते हैं और दीति से जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वो राक्षस दैत्य होते हैं जिसमें से 12 जो होते हैं वो नहीं 49 जो होते हैं वो बाद में वो भी देवता बन जाते हैं। तो उसी को
की ये कथा होती है जिसमें परीक्षित महाराज, मतलब जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि उनके 49 पुत्र जो होते हैं वो दैत्य ना बन के देवता बन जाते हैं, तो वहां पे वो इस तरह से बोलते हुए आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ परीक्षित महाराज उनको रोकते हैं कि मैं नहीं पूछा तो आप इसको विस्तार से बताइए कि ये कैसे संभव हो पाया कि वो दैत्य से देवता बन गए। तो इसी पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से बहुत खुश होते हैं कि आप मतलब इतना तीव्रता से और इतना मन लगा के आप श्रवण करते हैं, इसलिए उनकी बहुत बड़ाई भी करते हैं। तो इसी को लेके आप भागवतम का एक श्लोक का बताए थे कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की प्रशंसा क्यों करते हैं। ओके, और किसी को याद है कुछ? उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, ये सोवा माता जी कुछ बताएं। व्हाट एल्स वी डिस्कस्ड आफ्टर दैट? यस प्रीति माता जी वुड लाइक टू टेल। प्रभु जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। एक आपने प्रभु जी भक्ति के लिए चर्चा किया था कि भक्ति में प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है श्रवण करना। जैसे अभी जनिता माता जी ने बताया कि सुखदेव गोस्वामी जो आप जो परीक्षित महाराज से प्रसन्न हुए, और आपने बताया था कि सुखदेव गोस्वामी जो एक जगह पे इतना ही रुकते थे गाय को दुहने जितना, लेकिन महाराज ने प्रश्न पूछ पूछ कर उनको 7 दिन तक रोके रखा और उनसे सब पूछा, और वो रोक पाए क्योंकि अच्छे से श्रवण किए और परीक्षित महाराज बाध्यता पूर्वक नहीं बैठे। जैसे कई बार हम कुछ होते हैं कि कई बार हम जबरदस्ती बैठते हैं कि प्रभु जी बोले कि आप आए नहीं, लेकिन परीक्षित महाराज मतलब तीव्रता से भक्ति पूर्वक सुने। आप किसके लिए बैठे हैं? मैं खुशी से बैठी हूँ प्रभु जी के लिए। ओके आप ओके बाहर से भी और अंदर से भी। ओके ओके बहुत तो अच्छा। आपने श्रवण के तरीकों पे आपने बोला कि श्रवण का एक तरीका है बाध्यता पूर्वक सुनना और दूसरा है तीव्रता से भक्ति पूर्वक सुनना। तो आप कि हम भगवान हमें भगवान दिखाई नहीं देते, पर हम अपने कर्णों के द्वारा भगवान को देख सकते हैं। और परीक्षित महाराज ने इतना अच्छे से सुना कि फिर उन्होंने अपनी माता उत्तरा को सुनाया जो बृहत भागवतामृतम के नाम से प्रसिद्ध है, जो श्रीमद् भागवतम का सारांश है। हमें भगवान को अगर महसूस करना है तो हम गुरु की वाणी से ही उनका साक्षात्कार कर सकते हैं। परफेक्ट, वेरी गुड। यस, उसके बाद दीति परेशान थी, क्यों? कौन बताएगा दीदी क्यों परेशान थी? क्योंकि वो काश्यप मुनि से ओ, ऐसा शोभा बोला माता जी बताएंगे, शोभा था। माता जी बताएंगे। ये शोभा माता जी की हरे कृष्ण प्रभु जी इच्छा। प्रभु जी वो अपने पुत्र हिरण्यकश्यप के बारे में सोच रही थी कि इंद्र ने उसको हिरण्यकश्यप की नई गलती दिखाई दे रही थी, इंद्र की गलती दिखाई दे रही थी, वो स्वच्छा और उसके जो विश्वरूप थे। तो इसमें हमने क्या चर्चा किया था, हमने क्या सीखा इससे? अहंकार के बारे में बता रहे थे कि अपने पुत्र में न देखकर वो अपनी अदिति के पुत्रों को इंद्र के बारे में वो सोच रही थी कि हर कोई दुनिया को अपनी अहंकार और मन और इंद्रिय की फिल्टर से देखता है, और ये हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह अहंकार हमारे अंदर क्या गलतियां हैं उसको नहीं देख के दूसरों की गलतियां को दिखाता है हमको। और दीति और निर्णय की इसके बाद उपरांत कि हम किसी भी तरह इंद्र को मार डालेंगे। अब खुद तो मार नहीं सकती थी, और दीति ने निर्णय किया कि मेरे को एक पुत्र चाहिए जो इंद्र को हत्या करेगा। हरे कृष्ण। मतलब देखिए, देवलोक में भी, ऊपर के लोक में भी, सब जगह भौतिक जगत में समस्या है। कभी कभी हमको लगता है कि हम इंद्र बन जाएंगे, ब्रह्मा बन जाएंगे, तो हमारा सारा समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस भौतिक जगत में हर क्षण डेंजर एट एवरी स्टेप, पदम पदम यत विपदाम न तेषां। देखिए, इंद्र कितने बड़े पोजीशन में है, फिर भी इधर एक छोटी सी स्त्री दैत्यों की माँ योजना बना रही है, परिकल्पना कर रही है कैसे मैं इंद्र को मारूंगा। और
इंद्र को मारने के लिए जो योजना परिकल्पना बनता है और बनाती है वो, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए कितना बुद्धिमान है दीदी। तो यस दिखाई दे रहा। इति ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इति भावेन सावर्तुर भावेन आचचारा सकृत्प्रियम् आचाचाराक्षत्रप्रियम् शुश्रूषयानुरागेण शुश्रूषयानुरागेण प्रश्रयेण दमेन च प्रश्रयेणादमेन च भक्त्या परमया राजन् भक्त्या परमया राजन् मनोज्ञैर्बल्गुभासितये मनोज्ञैर्बल्गुभासितये मनोजग्राह भावज्ञा मनोजग्राहभावज्ञान् सस्मितापांगवीक्षणे। सस्मितापांगवीक्षणे यस पढ़िए प्रीति माता जी ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु दंडवत। जी मेरा बुक वो मैं बुक पढ़ती चला हूँ गया। तो ओके रीमा हरे माता जी कृष्ण प्रभु पढ़ेंगे। प्रीति दंडवत माता जी सब वैराग्य भागवत से नहीं करना चाहिए था। एटलीस्ट भागवत तो अपने पास रखने था, भागवत भी भेज दिए। और यूएस भागवत लेके नहीं जाएंगे। जाएंगे प्रभु जी। मैं मुझे लगा कि अभी 6 कैंटो मैंने फर्स्ट सेकंड और 10th कैंटो रखा हुआ है हाँ तो वाला भेज दिया जी। भागवत को लेके जाइए विदेश, नहीं तो भक्ति यस हरे कृष्णा हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद भागवत क्या लेके गए तो प्रचार भी हुआ और खुद की सुरक्षा भी हुआ, सब कुछ हुआ। और श्रील प्रभुपाद देखिए भागवत जब बन गया तब गए विदेश। हाँ जी प्रभु जी थोड़ा थोड़ा करके 4 कैंटो ये लेके जाएंगे। 4 मैं लेके जाऊंगी प्रभु जी, ऐसे कर करके ले जाऊंगी मैं सारा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है ये श्री माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। इस प्रकार सोचती हुई दीति निरंतर अपने पति कश्यप को अपने मोहक आचरण से प्रसन्न रखने लगी। हे राजन, दीति कश्यप की सभी सभी आज्ञाओं का अत्यंत निष्ठा से पालन करती रही। वह सेवा, प्रेम, विनय तथा आत्मसंयम एवं अपने मृदुल वाणी से और अपनी मंद हंसी और बाकी चितवन से कश्यप के मन को आकृष्ट करते हुए उसने उन्हें अपने वश में कर लिया। हरि बोल। हरे कृष्णा। तात्पर्य पढ़िए। कोई स्त्री अपने पति की परम प्रिय बनना चाहे और उसे अत्यंत निष्ठावान आज्ञाकारी बनना चाहे तो उसे पति को सब प्रकार से प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। जब पति अपनी पत्नी से प्रसन्न होता है तो पत्नी उसे सभी आवश्यक वस्तुएं, आभूषण तथा पूर्ण इंद्रिय सुख प्राप्त कर सकती है। यहाँ पर दीति के आचरण से यही सूचित होता है। हरि बोल। हरे कृष्णा। देखिए दीदी कितना अच्छा सेवा कर रही है। पर सेवा के पीछे दीदी का गलत स्वभाव है, गलत चेतना है। तो हम सेवा तो करते हैं बहुत, पर अगर हमारी चेतना सही नहीं है तो उस सेवा का जो फल स्वरूप होगा वो सही मिलेगा नहीं। क्योंकि दीति की चेतना में समस्या था। दीति सोच रही थी कि किस तरह इंद्र को
वो मारना मार सकती है, तो उस चेतना से दीति सेवा करने लग गई और बाहरी रूप से बहुत सुंदर से सेवा कर रही है, और अंदर मेरे को पुत्र चाहिए इंद्र को मारने के लिए। हरे कृष्ण। तो हम भी इस तरह का भक्ति करते हैं कभी कभी। हम बाहर हम भक्ति करते हैं बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा भक्त बन गए, तिलक लगा लिया और जप माला ले लिया, हरे कृष्णा बहुत सुंदर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते थे कि हातेर माला गौलेर माला, ये तो माथार तिलक हातेर माला, ये तो कौलीर चेला। तो हाथ में माला, गला में भी माला और सर के ऊपर तिलक, और ये बाहरी रूप से हम वैष्णव या वैष्णवी बन सकते हैं, पर जब तक हमारी अंदरूनी चेतना का परिवर्तन नहीं होगा तो हम वैष्णव कहलाएंगे नहीं। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भी इसी तरह बताते थे, गौरारो आमी मुखे बोली ले नहीं चले, गौरारो आचारो गौरारो प्रचार, भाबिया पालिया भावित होले। गौरारो आमी, खाली भगवान का मैं हूँ, भगवान का मैं हूँ, गौरांग महाप्रभु का मैं हूँ, मैं राधा रानी का हूँ, मैं कृष्ण का हूँ, मुख में बोलने से और बाहरी चीजों को सही कर देने से नहीं होगा। भगवान को अगर प्रसन्न करना है हमको अपनी अंदरूनी शुद्धता लेके आना पड़ेगा। तो दीति इधर अपनी पतिदेव का सेवा कर रही है जो शास्त्र में लिखा गया है, और कितनी सुंदर शब्दों से वर्णन किया गया है। देखिए इधर क्या-क्या लिखा है। देखिए ये मैं हिंदी वाला भी निकाल दिया, आपको सुविधा होगा। इति भावेन विचार से क्या-क्या देखिए लिखा है। प्रश्रयेण विनम्रता से, दमेन आत्मसंयम से, अनुरागेण प्रेम से। अरे कृष्णा, इस तरह का शायद और पत्नियां अवेलेबल नहीं है, ये एक कलयुग में इस तरह का अवेलेबल नहीं है। प्रेम से, अनुरागेण, और देखिए क्या लिखा है, भक्त्या भक्ति से। अरे कृष्णा, परमया महान, और मनोज्ञ मनोहर, वल्गुभाषिते मीठा मीठा वचन बोल के, और इस तरह दीति ने सेवा किया। तो कोई बताए पूछेगा कि सेवा किया तो क्या होगा, क्या हो गया सेवा किया, सब लोग कोई ना कोई सेवा करता है, उसे क्या होगा। तो सुखदेव गोस्वामी आगे जाके बोलते हैं उसे क्या होगा, ये बहुत ध्यान पूर्वक पढ़िए। देखिए देखिए ये श्लोक, इसको और थोड़ा बड़ा कर दूं मैं, इसको ऊपर भेज देते हैं। या नाउ इट इज क्लियर। एवं स्त्रिया जड़ी भूतो, विद्वानपि मनोज्ञया, बाढ़मित्याह विवशो, न तच्चित्रं हि योषिति। ओ हिंदी पढ़ने का नहीं आता है क्या, मैं इंग्लिश वाला दिखाऊं, मेरे को लगा हिंदी लगाने से सही रहेगा। ओके ओके शब्दार्थ शब्दार्थ एंड तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के द्वारा। ये पढ़िए, कोई शब्दार्थ पढ़िए जो नीचे लिखा है। यद्यपि यद्यपि कश्यप मुनि एक विद्वान पुरुष थे, किंतु वे दीति के बनावटी व्यवहार से मोहित हो गए, जिससे
जिससे वे उसके वश में आ गए। अतः उन्होंने अपनी पत्नी को विश्वास दिलाया कि वे उसकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। पति द्वारा ऐसा वचन तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। हरे कृष्णा, आप सब माता जी लोग हैं, आपके लिए तो आज आपके ऊपर क्लास है। अब देखिए, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि परीक्षित महाराज के मन में संशय आया कि ठीक है, दीदी दीति ने आर्टिफिशियल कृत्रिमता से सेवा किया, पर कश्यप मुनि तो बहुत बड़े विद्वान थे, उनका कैसे, क्या वो क्या समझ नहीं पाए? तो परीक्षित महाराज के मुख में संशय था। संशय समझ रहे हैं? ऐसे मुख किए थे कि मेरे को तो लग नहीं रहा, क्या क्या हो गया? फिर दीति कृत्रिमता से सेवा किया, बट किंतु कश्यप तो बहुत बड़े विद्वान थे। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि इसकी कोई आश्चर्य नहीं है, स्त्री की स्वभाव और शक्ति का बिल्कुल ही तुमको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और उसको साबित करने के लिए कि किस तरह कश्यप मुनि समझ नहीं पाए और प्रभावित हो गए, हालांकि वो इतने बड़े विद्वान थे, कश्यप मुनि इतने बड़े विद्वान थे और दीति का सेवा भाव संपूर्ण रूप से कृत्रिम था, करेक्ट? ऐसे नहीं कि ठीक है दीति की सेवा भाव कृत्रिम था, पर कश्यप मुनि बुद्धिमान नहीं थे, मूर्ख थे, तो ठीक है कश्यप मुनि प्रभावित हो गए। पर कश्यप मुनि विद्वान थे, मूर्ख नहीं थे, और दीति की स्वभाव सही नहीं था, कृत्रिम था, फिर भी कश्यप मुनि प्रभावित हो गए। हरे कृष्णा, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, देखिए इधर लिखा है श्लोक में, एवं स्त्रिया जड़ी भूतो, अपनी स्त्री की जड़ी भूतो, जड़ मतलब आर्टिफिशियल कृत्रिम व्यवहार से भी विद्वान अपि मनोज्ञया, हालांकि कश्यप मुनि विद्वान थे, बाढ़ इति आह विवशो, विवश हो गए, ओहो ओहो दीति दीति और तुम ऐसा सेवा मत करो, तो बैठो, तुम तो क्या चाहिए तुमको, बोलो तो दीति बैठो तुम, ओहो मैं बहुत बहुत संपूर्ण रूप से प्रसन्न हो गया, बताओ तो तुमको क्या चाहिए, विवश हो गए कश्यप मुनि, विद्वान अपि मनोज्ञ, वो विद्वान थे फिर भी ऐसे हो गया, और इसका तनिक रूपी आश्चर्य नहीं है परीक्षित, क्यों? आगे श्लोक और भी महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण, विलोक्य एकांत भूतानि, विलोक्य एकांत भूतानि, भूतान्योदो प्रजापति, स्त्रियं चक्रे स्वदेहार्ध, यया पुंसा मति हृता, तो फिर से और कोई पढ़े, विलोक्य एकांत भूतानि, भूतान्याद्यो प्रजापति, स्त्रियं चक्रे स्वदेहार्ध, यया पुंसा मति हृता, पढ़िए ट्रांसलेशन, के प्रारंभ में ब्रह्मांड की ओ, एक, एक, एक जन एक जन एक जन सरिता माता जी पढ़िए। हाँ, जीवात्माओं के पिता, पढ़िए पढ़िए फिर से पढ़िए फिर से पढ़िए। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मांड की जीवात्माओं के पिता ब्रह्मा जी ने देखा कि समस्त जीवात्मा विरक्त हो रहे हैं,
अतः उन्होंने जनसंख्या बढ़ाने के उद्देश्य से पुरुष के आधे अंग से स्त्री की रचना की, क्योंकि स्त्री का आचरण मनुष्य के मन को हर लेता है। हरे कृष्णा, इसमें पुरुष की आधे की है, ट्रांसलेशन गलत लिखा है, ब्रह्मा जी के आधे आधे से स्त्री उत्पन्न हुए। हरे कृष्णा। तो जब सृष्टि प्रारंभ हुआ तो बहुत सारे ब्रह्मा जी अपने शरीर से सृष्टि किए, और जब अपने शरीर से ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे, कहाँ से आवाज आ रहा है, please mute everyone. तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि कर रहे थे, एक 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 करके अपने शरीर से उत्पन्न कर रहे थे, और जब शरीर से उत्पन्न कर रहे थे, ब्रह्मा जी जैसे ही सब उत्पन्न हो रहे थे, उनको बताए कि तुम भी मेरे को सृष्टि कार्य में सहायक बनो। तो कोई इच्छुक नहीं था क्या सृष्टि करना, कोई इच्छा ही नहीं प्रकाश कर रहे थे। चतुर्थ कुमार को ब्रह्मा जी ने बोला, चतुर्थ कुमार बोले हम तो बड़े ही नहीं होंगे, सृष्टि क्या करेंगे। तो ब्रह्मा जी गुस्सा हो गए, कैसे पिताजी को बोल दिया। और ब्रह्मा जी, क्योंकि चतुर्थ कुमार प्रथम ब्रह्मचारी थे, तो ब्रह्मा जी बहुत गुस्सा हो गए, और ब्रह्मा जी के नेत्र भ्रुकुटी से रुद्र शिव जी पैदा हुए, और ब्रह्मा जी शिव जी को बताए तुम सृष्टि करो, और शिव जी बोले जो इच्छा पिताश्री मैं सृष्टि करूंगा। और शिव जी ऐसे सृष्टि करने लग गए, भूत पिशाच खेचरी जितने सारे भूत पिशाच थे सबको सृष्टि करने लग गए। ब्रह्मा जी बोले बाप रे, ये तो ब्रह्मांड को नाश कर देंगे सृष्टि होने से पहले ही। तो फिर शिव जी को बुलाए, बोले बंद करो सृष्टि, पिताजी मेरे को सृष्टि करना नहीं ना, अभी सृष्टि मत करो, सृष्टि करने के लिए तुमको तपस्या करना चाहिए, जाके तपस्या करो, मैं जब बुलाऊंगा तब आना, तब सृष्टि करने के लिए। तो रुद्र को भेज दिया भगवान ब्रह्मा जी ने, और फिर ब्रह्मा जी एक 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 करके 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें से दक्ष थे, मरीचि, कश्यप, ये सब थे। पर कोई राजी नहीं हो रहा था, सब बोल रहे थे मैं हम बैठेंगे, क्योंकि सृष्टि उत्पन्न का कार्य बहुत कठिन था, वो देख रहे थे ब्रह्मा जी का लाइफस्टाइल, लाइफ स्केड्यूल बहुत समस्याजनक था, तो सब बैठे हुए थे, कौन इतना परेशानी करे, अब बैठो ना शांति से, सब ऐसे बैठ गए। ब्रह्मा जी तो परेशान भी पड़ गए, क्योंकि भगवान को बात दे दिया कि इतने सारे जीवात्मा लाइन में खड़े हैं, उनको सबको शरीर देना है, और कोई राजी नहीं हो रहा है। और ब्रह्मा जी फिर बोले कि मेरा 16 माला हो ही नहीं रहा है, माला नहीं हो रहा है, और मेरा भक्ति बंद हो जाएगा, कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी खूब, भागवत में आता है ये, तृतीय स्कंद में हम पढ़ेंगे विस्तार रूप से, ब्रह्मा जी खूब बहुत बहुत जोर जोर से प्रार्थना करने लग गए, रो रो के भगवान को कि कुछ बचाइए भगवान, कैसे कुछ उपाय बताइए। और भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थना से, ब्रह्मा जी की दाएं ओर से एक पुरुष उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा जी के बाएं ओर से स्त्री उत्पन्न हुई, जो पुरुष का नाम हुआ स्वयंभुव मनु, और स्त्री का नाम हुआ सत्यरूपा देवी। और ब्रह्मा जी बताए कि भगवान ने शायद आपको भेजा है, आप जल्दी से सृष्टि के कार्य कीजिए। और तब से सृष्टि से पुरुष और स्त्री जी स्त्री की मिलन से चल रहा है, स्वयंभुव मनु और सत्यरूपा के बाद से। स्वयंभुव मनु और सत्यरूपा के 2 पुत्र हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत, और 3 पुत्री हुए देवहूति, आकुति और प्रसूति। तो उसके बाद से सृष्टि प्रारंभ हुआ। पर सुखदेव गोस्वामी इधर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं, और जिसको हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे आज। महत्वपूर्ण चीज यह है कि स्त्रियों के पास एक शक्ति है, और वो शक्ति क्या है, इधर उल्लेख किया गया है, पुरुषों की मन को हरण करने, ये एक शक्ति है, पुरुष लोगों को कंट्रोल करने का, ये बहुत बड़ा शक्ति है। पर ये स्त्रियों को ये शक्ति ब्रह्मा जी और सृष्टि में मिला क्यों है,
हर शक्ति जब हमारे पास आता है, उस शक्ति के साथ हमारा एक दायित्व होता है उस शक्ति को सही प्रकार से व्यवहार करने का। हर स्त्री को पता है कि मेरे पास शक्ति है पुरुष को कंट्रोल करने का। आई डोंट नो, एटलीस्ट ये शास्त्र बताता है, इट्स अ बिग पावर। तो ये शक्ति स्त्रियों में है और ये शक्ति प्रकृति स्त्रियों को दिया है पुरुष लोगों को धार्मिक कार्यों में लगाने का, पुरुष व्यक्ति को दायित्ववान बनाने का। जैसे उदाहरण स्वरूप हम बता रहे थे कि हमारे एक चाचा जी थे, दूर के चाचा जी थे, मतलब पिताजी के चचेरे भाई हुए, तो वो चाचा जी हुए, चचेरे भाई नहीं, मामेरे भाई हुए दूर के मामेरे भाई हुए। तो कुछ भी करना नहीं चाहते थे वो, पिताजी का पेंशन मिलता था, मतलब मेरे चाचा जी का पिताजी, उनके पिताजी का पेंशन मिलता था और उसी से अपना चलाते थे। कितने लोग उनको बोले पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, कुछ करने के लिए, और बोलते थे मैं आध्यात्मिक हूँ। हर 6 महीने में अपना लिबास बदलते थे, कभी रेड कपड़ा पहन लेते थे और रेड तिलक लगा लेते थे, कभी काला कपड़ा पहन लेते थे तो काला तिलक लगा देते थे, कभी सफ़ेद कपड़ा पहन लेते थे सफ़ेद लगा देते थे, अलग अलग तरीके से उनका लिबास बदलता रहता था और संपूर्ण रूप से नालायक थे, कुछ करने के राजी नहीं थे, बहुत परेशान थे। हमारे जो भी हैं रिश्तेदार सब वो परेशान थे, इसको कैसे लाइन पे लेके आना, पटरी पे लेके आना। बहुत विचारधारा करने के बाद, मीटिंग बैठने के बाद इस विचार में आए सब कोई कि इसको कोई सुपात्र नारी स्त्री देख के इसका शादी करवा दिया जाए। हरे कृष्ण। फिर ढूंढने का प्रक्रिया प्रारंभ हुआ, बहुत ढूंढा गया, पुरी में ढूंढा गया, पुरी के आसपास गांव में ढूंढा गया, फिर उसके बाद एक सुपात्र स्त्री मिल गई, एक लड़की जिससे उनका विवाह किया गया। विवाह के लिए नाजी नहीं हो रहे थे, नहीं 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 मेरे को नहीं करना है, तो पर विवाह कर दिया गया। उसके बाद मेरी चाची जी को मानना पड़ेगा। 2 महीने के अंदर मेरे चाचा जी नौकरी ढूंढने के लिए निकल गए। हरे कृष्ण। ये है स्त्री की शक्ति, नारी की शक्ति, जो प्रकृति देती है पुरुष को दायित्ववान बनाने के लिए। हम खुद देखे हैं, हमारे जितने सारे बैचलर लोग रहते थे इतने गंदे रहते थे, इतने गंदे, इतने उनका घर, और पर जैसे ही विवाह हो जाता था पूरा साफ सुथरा हो जाते थे। पुरुष को दायित्ववान बनाने का, सभ्य बनाने का जो जिम्मेदारी लेते हैं वो है स्त्री लेते हैं, उनके पास वो शक्ति है। तो ये शक्ति प्रकृति देती है स्त्रियों को पुरुष को पटरी पे रखने के लिए, क्योंकि पुरुष लोगों का मन बहुत चंचल रहता है और स्त्रियों का मन से पुरुष लोगों को बहुत सपोर्ट आश्रय मिलता है। प्रकृति पुरुष और स्त्री को में कुछ कमियां बनाई है और कुछ शक्ति भी दी है। पुरुष में कुछ कमियां बनाई है, मन की कमियां बनाई है, और स्त्रियों में मन की शक्ति प्रबल दी है जिससे पुरुष का मन को हरण करके उसको सही रास्ते पे लगाया जाए। और स्त्रियों को ऐसे बनाया है कि शारीरिक रूप से स्त्रियां लोग वो कमजोर होती हैं और पुरुष लोगों को शारीरिक रूप से प्रबल रखा गया है ताकि पुरुष और स्त्री हर समय इंटरडिपेंडेंट, मतलब हिंदी में क्या बताएंगे इंटरडिपेंडेंट को, मतलब एक दूसरे पर आश्रित ही रहे। पर ये समस्या ये है कि
कि स्त्रियों को पता है कि मेरे पास ये शक्ति है उसको कंट्रोल करने का, और पुरुष को भी पता है मेरे पास शारीरिक शक्ति है उसको कंट्रोल करने का। पर प्रकृति ये शक्ति पुरुष और स्त्रियों में दिया है ताकि वो भगवान की भगवत सेवा में लग जाए, धार्मिक कार्यों में लग जाए और सृष्टि के कार्य में लग जाए। पर पुरुष और स्त्री जब ये शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तब समाज में अनासन अनाचार चालू हो जाता है। आज हम देख रहे हैं विश्व में किस तरह स्त्री की ये जो शक्ति है पुरुष की मन को हरने का, इसका किस तरह दुरुपयोग हो रहा है समाज में। एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री इसी के ऊपर आधारित है। हर एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में एक स्त्री अर्धनग्न खड़ी रह जाती है क्योंकि उनको पता है इसी से ही पुरुष के जेब को हम खाली कर सकते हैं। हरे कृष्ण, कटु शब्द बोलने के लिए माफी चाहता, पर यह भागवत का वाणी है। स्त्रियों के पास वो शक्ति है, इसीलिए तो उस शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। इसीलिए प्रारंभ में मैं बताया कि जब हमारे पास कुछ भी शक्ति होता है उस शक्ति का सदुपयोग करने का एक जिम्मेदारी भी हमको मिलता है प्रकृति के द्वारा, और आजकल की स्त्रियां उनको शक्ति के बारे में तो संपूर्ण रूप से पता है पर उस शक्ति के को कैसे चरित्रता से उस शक्ति को कैसे सदुपयोग किया जाए उसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है। और कंक्लूजन ये है, और हम देख रहे हैं कि किस तरह दिति की समान आधुनिक युग में पुरुष और स्त्री अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। पुरुष लोग स्त्रियों का अत्याचार कर रहे हैं और स्त्री लोग पुरुष के मन को हरने का जो शक्ति है उसको व्यवहार करके उनको भी अत्याचार कर रहे हैं। तो हमको समझना चाहिए कि ये जो शक्ति है इसको हमको बहुत ही सतर्कता से व्यवहार करना चाहिए। ये शक्ति स्त्रियों को मिला है पुरुष को धार्मिक पथ में रखने के लिए, ये शक्ति नहीं मिला है गलत इसका व्यवहार किया जाए। सो दीति उनको पता था कि अगर मैं कृत्रिमता से भी सेवा करूं मेरे पास वो शक्ति प्रकृति से मिला है मेरे को कि मैं कश्यप रूपी विद्वान पुरुष का भी मन हर सकता हूं, कितना भी कोई विद्वान पुरुष हो अगर एक स्त्री ठान लेती है उसको उसकी मन को हरण करने का तो वो विवश हो जाता है। हरे कृष्ण। और कभी कभी स्त्रियों को लगता है देखो आई हैव अचीव्ड, मेरे को अचीवमेंट मिल गया, पर इस तरह चरित्रहीनता से हम भगवान की हृदय को आकृष्ट नहीं कर सकते। भक्ति बहुत दूर है, पहले अगर हमको भगवान की भक्ति और सेवा करना है पहले हमारे हृदय में चरित्र निर्माण करना पड़ेगा। और चरित्र का डेफिनेशन अगर कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टर, चरित्र की संज्ञा क्या है, चरित्र की यह संज्ञा है कि आपके पास जो शक्ति है उस शक्ति का आप दायित्व लेते हैं सदुपयोग करने का, शास्त्र के अनुसार उपयोग करने का, यह चरित्र। मेरे पास अगर कुछ बुद्धि है उस बुद्धि को अगर मैं शास्त्र के अनुसार जन कल्याण के लिए मैं व्यवहार कर रहा हूं सदुपयोग कर रहा हूं वो बुद्धि जो मेरे पास है मैं चरित्रवान पुरुष कहलाऊंगा।
किसी के पास अगर धन है, उस धन को वो जन कल्याण में सेवा में लगा रहा है, दुरुपयोग नहीं कर रहा है, लोगों को कष्ट देने का कार्य नहीं कर रहा है, तो वो चरित्रवान है। आज के दुनिया में हम देखते हैं कि मनुष्य जो सबसे सभ्य है, सृष्टि की सबसे उच्चतम कोटि की योनि है, जो बहुत शक्तिशाली है, इतना अत्याचार कर रहा है दूसरी योनियों के प्रति, पृथ्वी के प्रति। हाल में जो अगला किताब लिख रहा हूं उसके लिए थोड़ा रिसर्च कर रहा था, तो हमको पता चला कि पिछले एक सेंचुरी ने मनुष्यों की कार्यकलापों से 10 लाख योनि विलुप्त हो गए, 10 लाख प्रजाति विलुप्त हो गए हैं। हरे कृष्ण। हमने एक चित्र देखा एक मेंढक का, जो सुनहरा मेंढक, वो लास्ट 1989 में दिखाई दिया था, उसके बाद पिछले 34-33 साल से वो दिखाई भी नहीं दिया है पूरा विश्व में। हरे कृष्ण। और इस तरह कितने सारे प्रजाति है जो विलुप्त तो हो गया है मनुष्यों की कार्यकलापों के वजह से। हमारे पास शक्ति है और इस शक्ति का केवल मनुष्य दुरुपयोग कर रहा है। वैज्ञानिक लोग, उनके पास शक्ति है बुद्धि का, और उस बुद्धि को व्यवहार करके वो बहुत अच्छे अच्छे चीजें बना सकते हैं, पर उसका दुरुपयोग करके आज के वैज्ञानिक लोग ऑलरेडी, श्रील प्रभुपाद बता रहे थे कि ऑलरेडी सब मरने वाले हैं, पर ये वैज्ञानिक लोग एटम बम, न्यूक्लियर बम, ये बम वो बम बना के सबको जल्दी से मारने का तैयारी कर रहे हैं, सृष्टि को विध्वंस करने का, और उनके पास बुद्धि है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जब अटैक हुआ, एक छोटा सा प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिरा नहीं सकता है, उसको गिराने के लिए कैलकुलेशंस हुआ था, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, और ये टेररिस्ट लोग हैं, इतने बुद्धिमान हैं, बट उनकी बुद्धि किस तरीके से, किस चेतना से व्यवहार हो रहा है, उनकी बुद्धि दूसरों की अकल्याण कार्य में व्यवहार। तो हमको समझना चाहिए, अगर प्रकृति हमको कोई भी तरीके का शक्ति दिया है, वो नारी को पुरुष की मन को हरने का शक्ति हो, या फिर पुरुष को नारी स्त्री का संरक्षण करने का शारीरिक शक्ति हो, या फिर मनुष्यों के पास जो शक्ति हो, बुद्धि हो, धन हो, सौंदर्य हो, दूसरों को बोल के प्रभावित करने का शक्ति हो, जैसे हिटलर, दूसरों को बोलने का, प्रभावित करने का शक्ति हो, ये सारा शक्ति प्रकृति हमको प्रदान करती है दूसरों की कल्याण और सेवा में लगाने का। और जब मनुष्य इस शक्तियों को दुरुपयोग करता है, वो खुद का और पूरा ब्रह्मांड का नाश करने का प्रयोजन और परिकल्पना करता है। तो इस प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी बस एक ही, एक नारी के पास, एक स्त्री के पास जो शक्ति है, उसका एक उदाहरण बता के बता रहे हैं कि किस तरह एक विद्वान पुरुष को भी प्रभावित किया जा सकता है। उसी तरह हमारे पास कुछ भी शक्ति हो, हम किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, और उसकी जिम्मेदारी भी हमको लेना पड़ेगा, प्रकृति से हमको दंड भी मिलेगा। तो एक नारी स्त्री, अगर ये जो शक्ति उसके अंदर है पुरुष की मन को हरने का, उस शक्ति को अगर वो दुरुपयोग करती है, तो उनको दंड मिलने वाला है। अगर एक पुरुष जो शक्ति उसके पास है, शारीरिक शक्ति स्त्री से ज्यादा,
उस शक्ति को व्यवहार करके अगर किसी को अत्याचार करता है तो महाभारत और रामायण उसका दृष्टांत है। तो हमको समझना चाहिए कि हमको ये शक्ति मिला है। हर माताओं को ये समझना चाहिए, मेरे पास ये शक्ति मिला है। और ये शक्ति मिला है पुरुषों को धार्मिक कार्य में लगाने का। दुर्भाग्यवश माताएं लोग ही धार्मिक नहीं है आजकल। आज ही हम राधा रमन जी को उत्साह से स्थानांतरित करने के लिए गए थे तो हरि प्रसाद प्रभु देखे, हम रोड में जा रहे थे तो जितने सारे महिलाएं हैं हर कोई स्मोकिंग कर रहे थे, तो हरि प्रसाद प्रभु बोले थे बाप रे। मैं बोला ये तो बहुत ही आजकल साधारण है। तो इस तरह स्त्रियों के पास एक शक्ति है हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता को संभाल के रखने का। एक दर्शन शास्त्र में लिखा है कि अगर एक पुरुष को विद्वान बनाया जाता है तो एक केवल हम एक पुरुष को विद्वान बनाएंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, पर अगर एक नारी विद्वान बन जाती है, पढ़ लिख जाती है, सभ्य बन जाती है, पूरा एक समाज सभ्य बन जाता है। इफ वी एजुकेट ए मैन वी एजुकेट ए मैन, बट इफ वी एजुकेट ए वुमन वी एजुकेट ए सिविलाइजेशन। दैट्स द पावर ए लेडी हैज, जो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं इधर। और उस शक्ति के बारे में ज्ञान हर नारी को है। एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई ये महत्वपूर्ण है कि उस शक्ति को हम सही तरीके से व्यवहार करें। इस प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी इसके ऊपर बता रहे हैं कि किस तरह एक व्यक्ति अपनी शक्ति को डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स कूटनीति के नीति के द्वारा दुरुपयोग कर सकता है। एंड इसी चेतना हमारा भक्तों के समाज में भी आ सकता है। हम जब भक्तों के समाज में आते हैं तो हमको शक्ति मिलता है, लोग हमको सोचते हैं कि हम धार्मिक हैं और लोग हमारे ऊपर विश्वास करने लग जाते हैं। लोग बाकी लोगों को विश्वास करें या ना करें, जब हम तिलक लगाते हैं गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं लोग सोचते हैं कि ये धार्मिक है, ये भगवान से संलग्न व्यक्ति है, इसको तो विश्वास किया जा सकता। तो हमारे पास वो शक्ति आता है और उस शक्ति के साथ हमारे साथ एक दायित्व भी आता है लोगों की विश्वास को सुरक्षित रखने का। और चरित्र के साथ भक्ति के साथ आचरण करने का हमको समझना चाहिए। हम भक्तों के समाज में देयर शुड बी एब्सोल्यूटली नो पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी, बिल्कुल राजनीति और कूटनीति नहीं है। कुछ बोला, कुछ और किया, कुछ और सोचा, ये बाहर की दुनिया में है। हमारे पास बुद्धि है तो हम बुद्धि को लगा के कुछ और बोलेंगे, कुछ और सोचेंगे, कुछ और करेंगे, पर अगर हमको भगवान को प्रेम करना है, भगवत धाम में प्रवेश करना है, हमको ये राजनीति और पॉलिटिक्स और डिप्लोमेटिक बिहेवियर संपूर्ण रूप से बंद करना पड़ेगा और हमारी चरित्र को शुद्ध और सुदृढ़ करना पड़ेगा। हमारे पास जो शक्ति है उस शक्तियों को सदुपयोग करना पड़ेगा, सभ्य बनना पड़ेगा।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह दिति कश्यप मुनि की संपूर्ण रूप से मन हरण कर ली। और केवल दिति की उदाहरण नहीं, हम जब भागवत पढ़ेंगे अलग अलग उदाहरण में यही आएगा। हम देखते हैं कैकेयी, हम देखते हैं सुपर्णेखा, हम देखते हैं अलग अलग प्रसंग में किस तरह स्त्रीय लोग अपनी शक्ति को दुरुपयोग करे हैं। और हम ये भी देखते हैं कि किस तरह पुरुष द्रौपदी की वस्त्र हरण, सीता का हरण, पुरुष लोग भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे हैं। पर जो भी दुरुपयोग किया है उनका नाश हुआ है। तो शक्ति के साथ दायित्व आता है, ये इस प्रसंग से हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो जब कश्यप मुनि प्रभावित हो गए, तो कश्यप मुनि दिति का गुणगान करने लग गए। उनको तो पता नहीं था कि दिति ऐसे ऐसे कर रही है, बहुत बहुत गुणगान करने लग गए। कश्यप मुनि बोलने लग गए कि कोई अगर पत्नी अपनी पति का अच्छे अच्छे रूप से सेवा करती है, क्या क्या प्राप्त नहीं कर सकती। और ये सही है, स्त्रियों के पास जो शक्ति है उस शक्ति का अगर सदुपयोग किया जाए अनेक कुछ प्राप्त हो सकता है। बाकी सब तो छोड़ लीजिए, यमराज भी कुछ नहीं कर पाते हैं। जब हम बचपन में हम हमारे दीदी और माता जी एक व्रत करती थी, उसका नाम था सावित्री व्रत। पता नहीं बाकियों का पता है कि नहीं, सावित्री व्रत उपवास रहती थी। मेरे को लगता था कहाँ ये सावित्री व्रत, कहाँ उल्लेख है, क्या है। पर आगे जाके अब जब आगे जाके पढ़ाई चालू की तो पता चला कि ये शास्त्र में सही कहानी है। और सावित्री देवी किस तरह सत्यवान जी का आयुष्य कम था और फिर यमराज लेने आ गए, उनको मृत्यु हो गया उनका, और सावित्री देवी बोले नहीं छोड़ूंगी मैं। तो यमराज बोले छोड़ दो, और यमराज लेके नहीं जा सकते हैं क्योंकि सावित्री देवी के पास वो शक्ति था। ये एक चरित्रवान नारी के पास वो शक्ति रहता है, तो यमराज ले नहीं पा रहे थे, छोड़ेंगे नहीं। तो यमराज बोले कुछ भी करो, मेरे को तो लेके जाना है, कुछ भी बर मांगो। तो सावित्री देवी बोले कि मेरे को एक पुत्र चाहिए। तो यमराज बोले ठीक है तथास्तु, छोड़ दो इसको। फिर सावित्री देवी बोले पुत्र कैसे मिलेगा, अभी तो आप पति को लेके जा रहे हैं। अब यमराज तो बोले बाप रे, ये तो बहुत बुद्धिमान है। और फिर छोड़ के गए, आशीर्वाद दिए। तो ये शक्ति है, पर क्योंकि दीति ने गलत उपयोग किया इस शक्ति का, कश्यप मुनि इतने विद्वान थे फिर भी प्रभावित हो गए। और कश्यप मुनि भी इतने प्रभावित हो गए, वो भी बोलने लग गए कि देखो शास्त्र में लिखा है स्त्रियों को सेवा करना चाहिए, और पुरुष का जब सेवा होता है अच्छे से, क्या पति नहीं दे सकता है, पति तो परमेश्वर है, ये है वो है, सब बोलने लग गए। स्त्रियों को पति को अपना परमेश्वर देव मानना चाहिए, पर पति को खुद अपने आप को परमेश्वर नहीं मानना चाहिए। शिष्य को गुरु को सेवा करना चाहिए, भगवान की तरह सम्मान देना चाहिए, पर गुरु को मानना नहीं चाहिए, मैं भगवान हो गया हूं, मेरे को अभी सेवा करो। तो कश्यप मुनि बताने लग गए, दीदी एक श्लोक तो लेना चाहिए ताकि आप एक श्लोक पढ़े। ओके जस्ट वन मिनट, मैं वो इंग्लिश का निकालता हूं। इसके बाद यस देखिए, ये है 33 और 34 है। पतिरेवा हि नारीणां
पढ़िए हरे कृष्ण। देवतं परम स्मृत, मैं तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ हिंदी। दैवतं परमं स्मृतं, देवतं परमं स्मृतं, मानसा सर्वभूतानां, मानसा सर्वभूतानां, वासुदेव श्रियपति, वासुदेव श्रियपति, स एव देवता लिंगेर। पढ़ी ओ हिंदी हिंदी हिंदी, आपको हिंदी चाहिए मेरे को इंग्लिश चाहिए। सैव देवता लिंगे, इधर इधर देखिए, सैव देवता लिंगे, नाम रूपा विकल्पिते, नाम रूपा विकल्पिते, इज्यते भगवान पुंभी, इज्यते भगवान पुंभी, स्त्रीभिश्च पति रूपधृक्, रूप चाहिए, मैं इसको दिखाऊं। यस पढ़िए, अनुवाद पढ़िए, इधर से पढ़िए, पति ही, इधर से पढ़िए, पति पति भगवान के रूप में, पति भगवान के रूप में पत्नी के लिए पूजा की वस्तु। बाप रे, देखो कितना बड़ा स्टेटमेंट। अब ये जो शास्त्र की युक्ति है, ये पत्नी बोल रही है तो सही है, पर अगर पति खुद बोल रहा है मैं भगवान हूं पूजा करो मेरे को, तो इस तरह कश्यप मुनि प्रभावित हो गए। जो शास्त्र की युक्तियां होती है, उस शास्त्र की युक्तियां को कौन बोलना चाहिए और किसके लिए है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्र बोलता है गुरुओं को सम्मान देना चाहिए, पर गुरुओं को नहीं बोलना चाहिए मेरे को सम्मान दो। गुरु वर्गों को सोचना चाहिए मैं तो सिर्फ दास हूं सबका, पर शिष्य को नहीं सोचना चाहिए। जब गुरु वर्ग बोल रहे मैं तो सबका दास हूं, शिष्य को बोलना चाहिए आप तो बोले कक्षा में कि आप दास हैं, मेरा सेवा कर लीजिए तो प्रभु जी। तो शास्त्रों की जो उक्ति है उसको सही प्रकार से हमको अप्लाई करना चाहिए। कश्यप मुनि खुद ही अपने आप को पति परमेश्वर मान लिए, ये तो स्त्रियों के लिए है, पतियों को तो सेवक मानना चाहिए। मैं तो गुरु वर्गों की भगवान की सेवा कर रहा हूं, और भगवान और गुरु वर्गों ने मेरे को ये परिवार दिया है जिसकी सेवा मैं कर रहा हूं भगवान की आदेश अनुसार। ये चेतना होना चाहिए पति का, ना कि पति का चेतना हो कि अब मैं परमेश्वर हूं, परमेश्वर का मैं प्रतिनिधि हूं, सेवा करो मेरा। तो देखिए किस तरह, क्योंकि दीति की चेतना में समस्या था, और उस चेतना से जब कश्यप मुनि प्रभावित हुए उनकी चेतना भी खराब हो गई। ये है दुसंग की प्रभाव, ये है गलत संग की प्रभाव। हमको समझ में नहीं आएगा कि गलत संग से कुसंग से कैसे हम प्रभावित हो जाएंगे। दीति प्रभावित हो गई ईर्षा से, क्रोध से और कृत्रिम व्यवहार से, और दीति जब अपनी शक्ति से कश्यप मुनि को प्रभावित की, कश्यप मुनि भी प्रभावित हो गए, वो भी कृत्रिमता से बता रहे हैं, शास्त्र की उक्ति बता रहे हैं कश्यप मुनि, शास्त्र से अलग चीज नहीं बता रहे हैं, शास्त्र में लिखा है, पर इसको कौन बोलना चाहिए, किसके लिए लिखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कश्यप मुनि की चेतना में भी परिवर्तन आ गया, और आगे जाके देखेंगे हम अगले कक्षा में कि कश्यप मुनि की चेतना में और क्या क्या परिवर्तन हुआ, और क्या फिर किए कश्यप मुनि जब उनका मोह दूर हुआ, तो इसको विस्तार रूप से हम पढ़ेंगे। तो आज सारांश में हमने डिस्कस किया, चर्चा किया कि किस तरह हर व्यक्ति के पास, इधर तो सुखदेव गोस्वामी एक स्त्री का उदाहरण लिए हैं, दीति का उदाहरण लिए हैं, एक निमित्त बनाए हैं, पर स्त्री का, पुरुष का, मनुष्य का, सबके पास
शक्ति रहता है और उस शक्ति का सदुपयोग करने का एक दायित्व तो भी हमको लेना चाहिए। और उदाहरण स्वरूप हमने विस्तार रूप से स्त्रियों का उदाहरण देखा कि किस तरह स्त्रियों के पास ये शक्ति है पुरुष का मन को हरण करके उसका मन को धार्मिक कार्य में लगाने का। पर स्त्री लोग जब जान जाते हैं कि हमारे पास ये शक्ति है वो उसका दुरुपयोग करते हैं और पुरुष को भी माया में लगा देते हैं, गलत कामों में कर्मों में लगा देते हैं और खुद भी गलत कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। तो स्त्रियों को इस बारे में सचेतन रहना चाहिए और उनकी शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत। मेरा ये विवाह का क्वेश्चन है कि दोनों बहनों में जैसे एक बहन के राक्षस के देव रीमा माताजी को पूछने दीजिए। रीमा माताजी का प्रश्न रीमा माताजी को पूछने दीजिए। मेरा भी क्वेश्चन प्रभु। हां बोलिए। मुझे भी पूछना है प्रभु जी। पूछिए। आपका आवाज कट रहा है। आपकी अदिति और अदिति दो बहनें हैं। हाँ। तो एक बहन के राक्षस हुए प्रभु जी देवता, ऐसा क्यों प्रभु जी? ओके, तो दीति और अदिति दो बहन हैं, तो एक के राक्षस हुए एक के देवता हुए, तो दो बहन होने से क्या फर्क पड़ता है? वो तो कभी कभी दो भाई बहन ही एक भाई बहुत सभ्य होता है और बहन गड़बड़ होती है, या बहन बहुत सभ्य होता है भाई चरित्रहीन होता है, ये तो होता रहता है, इसका तो कोई बता नहीं सकता है। अपने कर्मों के अनुसार हर कोई। हरे कृष्ण। यस, और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रभु जी, जैसे अभी बोला मतलब हम लोग पढ़े कि स्त्री का स्वभाव ऐसा होता है मतलब किसी को भी आकृष्ट करती है, तो इसके लिए शास्त्र में बताया गया कि उसकी सुरक्षा के लिए पिता पति और पुत्र होते हैं। जो मतलब जो पुरुषों में एक भाव मतलब वो इमोशन नहीं होता जिससे उसकी सुरक्षा की जाती है, लेकिन इतना सब होने अभी तो ये कंफ्यूजन जैसा हो गया कि स्त्री ही पावरफुल हो जाती है पुरुषों के ऊपर, और जैसे स्पिरिचुअल काम के लिए चाहे किसी बुरे चीजों की ओर या अच्छे चीजों की ओर कहीं भी स्त्री ही ले जा रही है पुरुष को। तो फिर ये जो फिर हम लोग पढ़ रहे हैं ये भी पढ़ रहे हैं कि पिता पुत्र और पति के द्वारा उसको सुरक्षा भी मिलता है। तो ये कैसे? तो स्त्री पुरुष को मन की सुरक्षा प्रदान करती है और पुरुष स्त्री को शारीरिक सुरक्षा प्रदान करती है। दिस इज इंटरडिपेंडेंट, परस्पर में ये रिलेशनशिप है। तो हमको कभी नहीं सोचना चाहिए कि केवल स्त्री पुरुष की सुरक्षा में है, पुरुष भी स्त्री की सुरक्षा में। और जो पुरुष ये नहीं समझता है, जैसे हमारे बहुत सारे भक्त लोग बैचलर लोग शादी नहीं करना चाहते, हम बोले अरे जल्दी से विवाह कर लो। ना ना प्रभु जी विवाह नहीं करेंगे। बोला ठीक है हमारे साथ आ जाओ, ज्वाइन कर लो हमको आश्रम आ जाओ। ना ना प्रभु जी आश्रम में भी नहीं आएंगे। मैं बोला अरे ये क्या कौन सा बात हो गया, शादी भी नहीं करेंगे आश्रम में भी नहीं आएंगे तो कहाँ पे रहेंगे? ना मंदिर के पास कहीं पे भी हम रह लेंगे, नौकरी करते रहेंगे और ऐसे ही रहेंगे प्रभु जी। हमने बोला कि ऐसे रहना तो शास्त्र में बोला नहीं गया है, ऐसे कैसे रह जाएंगे आप? पर इसका क्या क्या समस्या है शादी में? ना ना प्रभु जी इतना परमिशन कौन लेगा प्रभु जी, हर समय परमिशन हमारी नेटवर्क खराब कर देगी पूरा, और हर समय इसको करने के लिए परमिशन उसको करने के लिए परमिशन। मैं बोला यही तो चाहिए, नहीं तो आपका भक्ति खत्म हो जाएगा, आपको परमिशन लेना ही है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं तो हम कहीं पे भी निकलते हैं हम परमिशन लेके निकलते हैं,
अगर कलकत्ता में भी किसी के घर में रात में रहने के लिए निकलेंगे फिर भी परमिशन लेके निकलते हैं कि हम इधर जा रहे हैं, इस जगह जा रहे हैं, इधर आज रात में रुकेंगे, फिर सुबह मंगल आरती उधर करेंगे, जप करके प्रभु जी माता जीयों के साथ फिर आ जाएंगे वापस। तो आश्रम मतलब आश्रयति इति आश्रम, वो गृहस्थ आश्रम हो या ब्रह्मचारी आश्रम हो, ये बनाया गया है हमको परमिशन, हमको कंट्रोल में रखने का। कोई भी पुरुष को ऐसे नहीं रहना चाहिए कि ना वो ब्रह्मचारी आश्रम में अंतर्भुक्त है ना गृहस्थ आश्रम में अंतर्भुक्त है, वो ऐसे ही घूम रहा है ग्रह की तरह। और जो पुरुष ऐसे घूमता रहता है ग्रह की तरह, ना पत्नी की सुरक्षा में, ना गुरु की सुरक्षा में, आश्रम में है, वो जरूर पिटेगा। हम लिख के साइन करके दे देंगे। तो कभी नहीं सोचना चाहिए पुरुष लोगों को कि मैं तो पुरुष हूं, स्त्री लोग मेरे से आश्रित हैं। स्त्री भी पुरुष से आश्रित है और पुरुष भी स्त्री में आश्रित है। पुरुष को मन को संयम रखने का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा स्त्री का है और स्त्री की शारीरिक सुरक्षा प्रदान करने का महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पुरुष का है। तो इसलिए बहुत सारे लोग विवाह नहीं करना चाहते, लड़कियां लोग भी विवाह नहीं करना चाहते, उनको पता है परमिशन लेना पड़ेगा सब चीज का हस्बैंड से। अरे क्या जरूरत है, क्या है सब ऐसे। तो आजकल समाज पूरा कुत्ते बिल्ली का समाज हो गया है फिर। पर आश्रय अति इति आश्रम, हम बता रहे हैं कि हम जब से परमिशन लेना बंद कर देंगे हम कहीं और दिखाई देंगे और भक्ति नहीं कर पाएंगे। अभी भी हम परमिशन लेते हैं और हमको पता है कि मरते दम तक हम परमिशन लेके ही सब कुछ करेंगे। कितना भी बड़े भक्त बन जाए श्री नित्याय दास, हमको परमिशन लेना है। हमको कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमने इतना बड़ा भक्त बन गए अभी कि अभी हमको परमिशन की आवश्यकता नहीं है, हमारा मन जो करेगा मैं करूंगा, ऐसा नहीं होता है। कभी भी स्त्रियों को पुरुषों को कभी ऐसे गृहस्थ आश्रम में लगना नहीं चाहिए कि मैं इतना अभी हो गया हूं, हमारे पति पत्नी में ऐसे रिश्ता अभी हो गया है कि कुछ बोलने की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, तो उसी समय ही समस्या चालू हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगा। और हमने देखा है इस्कॉन में बहुत सारे ब्रह्मचारी सन्यासी लोग बहुत बड़े भक्त बन जाते हैं, 40 साल 50 साल समय बिता देते हैं और फिर सोचते हैं अभी तो हमको कुछ जरूरत नहीं है किसी का परमिशन लेना, कुछ भी करना, कुछ नियम कानून पालन करना। फिर दुर्गा देवी बैठी हुई है प्रकृति पकड़ने के लिए उनको। हमको वॉलंटरीली आश्रम मतलब आश्रयति इति आश्रम, हमको आश्रय में रहना चाहिए। पुरुष को स्त्री के आश्रय में रहना चाहिए और पुरुष स्त्री दोनों मिलके गुरु के आश्रय में रहना चाहिए, स्त्री को पुरुष के आश्रय में रहना चाहिए। दिस इज नॉट रेस्ट्रिक्शन, दिस इज प्रोटेक्शन। अगर मैं सोच लूं ना ये आश्रम रेस्ट्रिक्शन है मेरे लिए, मेरा मन जो करता है मैं करना करने नहीं देते हैं कभी कभी, यही समस्या है पतन का। ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आश्रम एक प्रोटेक्शन है। स्त्री को लगना चाहिए पुरुष मेरा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये मेरी प्रोटेक्शन है। पुरुष को लगना चाहिए मेरी स्त्री मेरी प्रोटेक्शन नहीं, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये मेरी प्रोटेक्शन है। तब जाके भगवान की भक्ति होगा। ये तो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, फाउंडेशन प्रिंसिपल है। इसको नहीं करेंगे तो भक्ति तो बहुत आगे है, आध्यात्मिकता तो बहुत आगे है। ये तो चरित्रवान पुरुष और नारी की कार्यकलापों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं आज। प्रभु जी एक क्वेश्चन और, पता नहीं ये क्वेश्चन भी मेरा सही है कि नहीं, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं प्रभु। जैसे अभी मतलब एक माँ होती है प्रभु, वो भी पुत्र को प्रोटेक्शन देती है और अपनी जो आप कहानी बताए अपने चाचा जी की, तो उसमें भी जब तक वो पुरुष विवाहित नहीं होता है तब तक तो उनकी माँ उनको मतलब सही दिशा दे सकती है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि उस टाइम में माँ का जो मतलब माँ को जो करना है वो तो करती है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे टाइम में पुरुष गलत मार्ग पे चले जाते हैं। इसीलिए कहीं तो माँ भी मतलब एक स्त्री की भूमिका जो पत्नी का कुछ हद तक भूमिका तो माँ का रहता ही है ना। नहीं, माँ की भूमिका समाप्त तो हो जाता है पुरुष के जीवन के लिए बहुत पहले ही।
उसके बाद पिता का भूमिका चालू होता है पुरुष को डिसिप्लिन करने का, उसके बाद पिता का भूमिका भी संपूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए जैसे ही ब्रह्मचारी आश्रम से पहले जमाने में 5 साल में हो जाते थे, माँ का जिम्मेदारी समाप्त हो जाता था और उसके बाद वो गुरुकुल आश्रम में चले जाते थे, 5, 7 या 8 साल में चले जाते थे और 15-20 साल तक पढ़ाई करते थे। और जैसे ही वो निकलते थे, पहला चीज माता पिता सोचते थे उसको शादी कर देने का, क्योंकि वो फिर से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। एक माता अपनी जो दायित्व है वो निभा सकती है, खाना बना सकती है, वो सब करती है, जो मानसिक स्तर से जो सुरक्षा देना है वो केवल स्त्री ही कर सकती है, वो मां नहीं कर सकती। और क्योंकि अभी उस व्यक्ति का जो मानसिक स्तर है वो परिवर्तन हो गया, ये बच्चे का मानसिक स्तर नहीं है। एक पुरुष उसकी अहंकार को केवल सुरक्षा एक स्त्री ही दे सकती है या फिर गुरु। आइदर वो ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरु के आश्रित में रहे, गुरु की नियम कानून के अंदर बंधे रहे, या फिर गृहस्थ आश्रम में पुरुष की नियम स्त्री की नियम कानून के अंदर घर में बंधे रहे, तो वो सुरक्षित रहेगा। और इसीलिए आजकल लोग दोनों ही नहीं करना चाहते। उसी तरह स्त्री भी आइदर वो पिता के साथ पिता के ग, 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 नियम कानून के अनुसार बंधे रहे या फिर अपने पति के नियम कानून के अनुसार बंधे रहे, नहीं तो उसका भी हरे कृष्णा होगा, समस्या चालू होगा। तो हमको कभी कभी जब लोग बाहर में बताते हैं कि देखो शास्त्र में ऐसे स्त्रियों को अत्याचार किया गया है, हर सब बांध के रखना है, नहीं शास्त्र स्त्रियों को बांध के नहीं रखने के लिए नहीं बोलते हैं, शास्त्र पुरुष को भी बांध के रखने के लिए बोलते हैं। पुरुष को स्त्री बांध के रखती है और पुरुष स्त्री को बांध के रखता है, ये शास्त्र बोलता है, ये सही उक्ति है। आधा शास्त्र पढ़ाते हैं बाहर के लोग और उसको यूज करके व्यवहार करके लोगों के अंदर विष डालते रहते हैं, और इसीलिए लोग शादी नहीं करना चाहते। हम तो जबरदस्ती करवाते हैं सबको शादी, आइदर शादी करो या हमारे साथ रहो, भीख मांगो, नहीं भीख भी नहीं मांगेगा शादी भी नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। भीख मांगो और केवल भगवान के आश्रित में रहो, भगवान की नियम कानून पालन करो और गुरु की ग, 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 अभी हमारा इतना शारीरिक समस्या है पर गुरु वर्ग बोले हैं कलकत्ता में रहना है, मतलब कलकत्ता में रहना है बस, और कोई नहीं। तो ये है नियम कानून पालन करने का शिष्य का, और जो शिष्य इस तरह का गुरु को रेस्ट्रिक्शन को पालन करता है वो सुरक्षित रहेगा। उसी तरह कोई पति नहीं अगर पति का नियम कानून पालन करता है वो सुरक्षित रहेगा, कोई पति अगर पत्नी की नियम कानून के अनुसार चलता है सुरक्षित रहेगा। पर पति पत्नी दोनों को गुरु की आश्रित होना चाहिए, ये भी और एक समस्या है। आजकल पति पत्नी गुरु की आश्रित नहीं होना चाहते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते, तो फिर कुछ समस्या और एक समस्या चालू हो जाएगी। इज इट क्लियर? आपका आवाज सही से नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी आ हाँ प्रभु जी, जैसे जो स्त्रियां डिवोटी हैं हाँ, तो समटाइम्स एक संकट वाली बात आती है कि वो पति की सुने ये जो आपका प्रश्न है म्यूट कर लीजिए। तो ये एक प्रश्न जो है ये बहुत ही, ये केवल कलयुग में ही दिखाई दे रहा है। तो पहले जमाने में ऐसे नहीं होता था, पहले जमाने में गुरु पति का रहता था और पत्नी का गुरु पति ही होता था। पत्नी के लिए गुरु कोई और नहीं होता था, अपना पति होता था और पति का गुरु गुरु रहता था। बट आजकल पति लोग भक्ति करना ही नहीं चाहते और पत्नी लोग भक्ति करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही असमंजस समस्या ये भौतिक कलयुग में दिखाई दे रहा है कि पति लोग अपना जो जिम्मेदारी है उसको आधा समझते हैं
वो समझते हैं कि मेरी जिम्मेदारी है परिवार के भरण पोषण कर लेना। पर पति लोगों को समझना चाहिए परिवार का भरण पोषण तो कुत्ता बिल्ली शेर भी कर लेता है। तो मनुष्य पति होने का फायदा क्या है? तो परिवार भरण पोषण केवल पति का दायित्व तो नहीं है, पति का दायित्व तो होना चाहिए कि आध्यात्मिक प्रगति परिवार का हो रहा है कि नहीं। और अगर कोई पत्नी जिसकी पति आध्यात्मिक प्रगति के लिए चिंतित नहीं है और पत्नी पर आध्यात्मिक प्रगति के लिए ज्यादा चिंतित हो जाती है, वो समस्या में पड़ जाती है। और उस समस्या का हल कैसे किया जाए? सबसे महत्वपूर्ण हमको समझना चाहिए कि हमको एक स्त्री को अपने पति को बिना बोल के कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। इसीलिए कलयुग में चैतन्य महाप्रभु भी चीजें बहुत आसान कर दी। मान लीजिए आपके पति आपको परमिशन नहीं दे रहे हैं ये करने का वो करने का, पर आई डोंट थिंक इतने हमारे खराब पतिदेव लोग हैं जो माला करने के लिए मना कर देंगे। माला कर सकते हैं हम, चार नियम पालन कर सकते हैं, क्योंकि पत्नियों के पास तो पूरा किचन डिपार्टमेंट रहता है। चार नियम तो हर कोई भारत में करता है, तो चार नियम तो पालन हो ही सकता है। और मेरा ये कहना है कि अगर पत्नी सद्व्यवहार करे घर में और पति अगर देख ले कि हाँ भक्ति करने से इसका व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, तो पति भी भक्त बन जाएगा। एटलीस्ट भक्ति उनकी तरह नहीं करेगा, पर एटलीस्ट भक्ति में सपोर्टिव बन जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण है कि हम स्वभाव को परिवर्तन करें। वो पत्नी जो सोचती है कि मेरे पति भक्त नहीं है तो कैसे होगा, तो हमको समझना चाहिए कि मेरे को मेरा स्वभाव परिवर्तन करना चाहिए। और स्वभाव परिवर्तन होगा तो उसको देख के दूसरे व्यक्ति का भी परिवर्तन होगा, जरूर होगा। पर शास्त्र के अनुसार पति को गुरु की दास बनना चाहिए, पत्नी को पति की दासी बनना चाहिए। तो ये शास्त्र का अनुसार है। पर कलयुग में इस तरह थोड़ा कलयुग उठपटांग युग है ही, तो उसके लिए हमको इसका सही तरीके से कुछ सॉलिड आंसर नहीं है। पर्सन टू पर्सन ये इसका आंसर बदल जाएगा। हमको परिवार के अनुसार इसको देखना चाहिए। पर जेनरिक ये है कि कोई पत्नी अगर अच्छा भक्ति करना चाहते हैं, पति भक्ति नहीं करना चाहता है, पत्नी को अपना पहले स्वभाव चेंज करना चाहिए और दूसरा परिवार की दायित्व तो अच्छे से निभाना चाहिए, तो उसके बाद मेरे को नहीं लगता है कोई पति हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना ये करना उसके लिए कोई मना करेगा। तो मेरे को नहीं लगता है। यस यस शोभा माता जी। दुर्वासा ऋषि यस। तो आप बोले ना पति के गुरु होते हैं, पत्नी के नहीं होते। नहीं नहीं पत्नी के भी गुरु होते हैं। रुक्मिणी जी नारद मुनि से कृष्ण के बारे में सुने, कुंती महारानी दुर्वासा ऋषि से बहुत ज्ञान प्राप्त किए, तो गुरु वर्ग होते हैं। माताओं के भी गुरु वर्ग होते हैं। पर हैंड्स टू हैंड डीलिंग के लिए, हैंड्स टू हैंड काउंसलिंग, आइदर माताजियों को अपने माताजियों से लेना चाहिए, दूसरे माताओं से लेना चाहिए, या फिर अपने पुरुष से लेना, अपने पतिदेव से लेना चाहिए। कभी भी पुरुष लोग हैंड टू हैंड काउंसलिंग नहीं करते हैं स्त्रियों का, या फिर स्त्री लोग हैंड टू हैंड काउंसलिंग, वन टू वन काउंसलिंग कभी काउंसलिंग समझते हैं। एक होता है कुछ शिक्षा दे देना और एक होता है गाइडेंस देना। तो इसीलिए हम दासोस्मी परिवार में भी हम देखते हैं कि माताएं लोगों के साथ पढ़ाई करते हैं, गाइडेंस देते हैं, और प्रभु जी लोग प्रभु जीओं को गाइडेंस देते हैं। या फिर अगर मेरे से कोई गाइडेंस लेना चाहता है माता जी, मैं क्या बोलता हूँ, आप अपने प्रभु जी को भी लेके आइए, हम दोनों को मिला के आपको बताएंगे, करेक्ट। तो एक होता है शिक्षा देना, तो ये एक शिक्षक हो गया। पर गुरु केवल शिक्षक नहीं होता है ना, गुरु एक मार्गदर्शक भी होता है। तो केवल
मार्गदर्शक देना पुरुष को स्त्री को या फिर स्त्री को पुरुष को, ये सही नहीं है। स्त्रियों को दूसरे स्त्रियों को मार्गदर्शक देना चाहिए और पुरुषों को दूसरे पुरुषों को मार्गदर्शक, पर शिक्षा कुछ भी हो सकता है। तो ये महत्वपूर्ण है, हमको समझना चाहिए कि नारद मुनि, दुर्वासा मुनि ये सब सन्यासी लोग थे। तो ये जाते थे महलों में, जाते थे और कक्षा दे के आ जाते थे, पर कभी फोन कॉल करके आपका कैसे चल रहा है, भक्ति चल रहा है नहीं, ये सब फॉलो अप वो सब माताएं लोगों को ही करना चाहिए, माताएं लोगों का। तो ये महत्वपूर्ण है, समझ रहे हैं आप। तो गुरु गुरु तो रहते थे, स्त्रियों को भी गुरु चयन करने का मौका मिलता था, उनका भी दीक्षा होता था, शिक्षा होता था, सब कुछ होता था। पर हम इधर बात कर रहे हैं हैंड टू हैंड गाइडेंस और काउंसलिंग का। तो सबसे अच्छा है कि माताएं लोग एक अच्छा स्ट्रांग ग्रुप बनाए कि अपना काउंसलिंग उनके बीच में ही हो जाए, और प्रभु जी लोग अपना प्रभुजियों का ऐसे स्ट्रांग ग्रुप बनाए कि उनका पूरा काउंसलिंग हैंड टू हैंड प्रैक्टिकल गाइडेंस उनको मिल जाए, जैसे प्रीति माता जी और बाकी रीमा माता जी और आप सब एक यूनिवर्ल्ड में बनाए हैं। जैसे हमने छोटा छोटा माता जियों का ग्रुप बनाया, चित्रा सखी, ललिता सखी, विशाखा सखी, चंपक लता, इंदु लेखा, सुदेवी, इतना सारा। तो उसी के अंदर या फिर आपस में अगर कुछ समस्या है तो आपस में दूसरे ग्रुप से कोई माता जी से पूछ के कर लेना, ये सबसे अच्छा है। माताओं को माताएं लोग गाइडेंस दे सकते हैं, पुरुषों को पुरुष लोग गाइडेंस, पर गुरु कुछ कोई भी बन सकता है। तो मुझे एक प्रश्न, हाँ यस, ये जो अभी संवाद चल रहा है, तो प्रभु जी आपने बताया कि चौथे स्कंद में दक्ष के दो पुत्र थे 10,000 और 1,000, फिर छठवें स्कंद में कि वो दूसरे जन्म में 60 पुत्र थे, वो जो शादी हुई एक कश्यप जो ऋषि हैं वो मतलब वो भी ब्रह्मा जी के आपने बताया पुत्र हुए, तो क्या रिलेशन हुआ ये दिति का और उनका, वो थोड़ा तो कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे, समझ नहीं आ रहा। तो दक्ष के दूसरे पुत्र जो हुए, दक्ष का जो दूसरा पैदा हुए ना दूसरी बार, तो ब्रह्मा जी से पैदा नहीं हुए, प्रचेता से पैदा हुए, प्रचेता से पैदा हुए दक्ष जो पैदा हुए, वो हम पढ़ेंगे छठे स्कंद, चौथे स्कंद में पढ़ेंगे उसका कहानी। तो ब्रह्मा वो पहले जो 11,000 पुत्र हुए थे कश्यप ऋषि उसी में से? नहीं 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 कश्यप मुनि तो सेपरेटली, कश्यप मुनि तो ब्रह्मा जी से पैदा हुए, जब सृष्टि कश्यप मुनि ब्रह्मा जी से पैदा हो गए उस समय दक्ष भी पैदा हुए, और दक्ष ने निंदा किया शिव जी का, फिर गुजर गए, फिर से दक्ष पैदा हुए प्रचेताओं से, और जब प्रचेत से पैदा हुए फिर उनको सेवा, फिर से वही सेवा मिला, तो जब सेवा मिला फिर 11,000 पुत्र पैदा किए जो ब्रह्मचारी बन गए, उसके बाद 60 पुत्री पैदा किए, तब तक कश्यप मुनि विवाह नहीं किए थे, तब तक 17 पुत्रियों को मिला कश्यप मुनि। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद की जय, वांछा कल्पतरु वश कृपा सिंधु वेवच पदिदानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमानंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, हरे कृष्ण, हरे बोल, दंडवत।